हेलो दोस्तों, डीपीआर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, हाउ डिड आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन CBSE दिल्ली में पूछा गया है, सेट फर्स्ट 2020। द आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। लिबरलिज्म इंस्टीट्यूट फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ। लिबरलिज्म इम्फेसाइज्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाई कॉन्सेंट। लिबरलिज्म इंस्टीट्यूट फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लर्जिकल प्रिविलेजेस। लिबरलिज्म बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। इस क्वेश्चन से रिलेटेड चार मेन पॉइंट्स हैं जिसको कि आपको याद कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हाउ डिड द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मोबिलाइज नेशनलिस्ट फीलिंग एमंग द एजुकेटेड इलाइट अक्रॉस यूरोप। द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मोबिलाइज नेशनलिस्ट फीलिंग एमंग द एजुकेटेड इलाइट अक्रॉस यूरोप आर डिस्कस्ड बिलो। ग्रीक नेशनलिस्ट रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम अदर ग्रीक्स लिविंग इन एग्जाइल। मेनी वेस्टर्न यूरोपियंस हैड अ नेचुरल सिंपैथी ड्यू टू द एंशियंट ग्रीक कल्चर। ग्रीस वॉज व्यूड एज ए पार्ट ऑफ यूरोप दैट हैड बीन एनेक्स्ड बाई ऑटोमन्स एंड नाउ नीडेड टू बी लिबरेटेड। द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन ऑर्गेनाइज फंड्स एंड लेटर वेंट टू फाइट इन वॉर। द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल ऑफ 1832 ऑर्गेनाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। जो इंग्लिश पोएट थे लॉर्ड बायरन, उन्होंने फंड ऑर्गेनाइज किए थे और वो वॉर में भी गए थे, लेकिन वहाँ उनकी मृत्यु हो गई थी बुखार की वजह से। और लास्ट में जो द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल जो आता है 1832 में, उसके द्वारा ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया जाता है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? दिल्ली, CBSE दिल्ली, सेट फर्स्ट 2020। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब द एक्सप्लोजिव कंडीशंस दैट प्रिवेल्ड इन बाल्कन्स आफ्टर 1871 इन यूरोप। बाल्कन्स के बारे में, जो बाल्कन स्टेट थे उनके बारे में आपको डिस्कस करना है। ये इवेंट कब हुआ था? 1871 में हुआ था। After 1871, explosive conditions prevailed in Balkans area in Europe. The Balkans were a region of geographical and ethnic variations comprising modern-day Romania, Bulgaria, Albania, Greece, Macedonia, Croatia, Bosnia, Herzegovina, Slovenia, Serbia and Montenegro, whose हैबिटेंट्स वर ब्रॉडली नोन एज द स्लैब्स। यहाँ पर ये सारी कंट्री थी, बाल्कन स्टेट्स की सारी कंट्री हैं। इन द 19th सेंचुरी द ऑटोमन एम्पायर हैड साउट टू स्ट्रेथन इटसेल्फ थ्रू मॉडर्नाइजेशन एंड इंटरनल रिफॉर्म्स बट वेरी लिटिल सक्सेस। 19th सेंचुरी में जो ऑटोमन एम्पायर था वो अपने आप को मजबूत बनाना चाहता था और चाहता था कि ज़्यादा एरिया अपने ऑटोमन एम्पायर में मिला ले। वन बाय वन इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिटीज ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल एंड डिक्लेयर्ड देयर ऑन इंडिपेंडेंस। एक एक करके जो सारे स्टेट थे, जो सारी कंट्री थी, वो ऑटोमन एम्पायर से अलग होने लगी और अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट नेशन बना ली। द बाल्कन पीपल्स बेस्ड देयर क्लेम्स फॉर इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल राइट्स ऑन नेशनैलिटी एंड यूज्ड हिस्ट्री टू प्रूव दैट दे हैड वंस बीन इंडिपेंडेंट बट हैड सब्सिक्वेंटली बीन subjugated by foreign powers. Hence, the rebellious nationalities in the Balkans thought of their struggle and their attempts to win back their long-lost independence, which converted to the region into a battleground. तो जो बाल्कन स्टेट्स थे वो अपने आप को इंडिपेंडेंस कराने की वजह से उनका जो कंट्री था वो एक बैटल ग्राउंड बन गया था, मतलब बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े वहाँ पर होने लगे थे। तो नेशनलिस्ट फीलिंग, जब लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होने लगता है इन सब चीज़ों की वजह से, तो उसको
इंपेरियलिज्म नाम दे दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म कीम विद फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है सब। इट इज़ ट्रू दैट द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। टिल 1789 फ्रांस वॉज अ फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट अंडर द रूल ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्क। 1789 के पहले जो फ्रांस था वो राजा महाराजा के द्वारा कंट्रोल किया जाता था, राजा महाराजाओं का शासन चलता था वहाँ पे। लेकिन 1789 फर्स्ट एक्सप्रेशन ऐसा था कि जब फ्रांस के लोग रिवॉल्यूशन स्टार्ट किए, क्रांति आई फ्रांस में। द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम ड्यूरिंग द राइज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेड टू ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी फ्रॉम मोनार्की टू द बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। द रिवॉल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट इट वॉज द पीपुल हु वुड हेंस फोर्थ कॉन्स्टिट्यूट द नेशन एंड शेप इट्स डेस्टिनी। फ्रॉम द बिगनिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस दैट कुड क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी एंड अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अमंग द फ्रेंच पीपल। द कम्युनिटी वॉज एंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन का कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे। अ न्यू फ्रेंच फ्लैग की वहाँ पे सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी कैसे आई लोगों के अंदर, एकता की भावना लोगों के अंदर कैसे आई। तीसरा पॉइंट है, अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। द ई स्टेट असेंबली वॉज डिल्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन। वहाँ की जो ई स्टेट जनरल थी, ई स्टेट जनरल जिसे कहा जाता था, वो एक्टिव सिटीजन के द्वारा हटा दिया गया और उसको रीनेम किया गया। किसके द्वारा? नेशनल असेंबली के द्वारा। न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड, ओथ्स वर टेकन एंड मार्टियर्स वर कॉमेमोरेटेड। नए ओथ्स लिए गए और जो शहीद थे उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। ऑल इन द नेम ऑफ नेशन। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज एंड फ्रेंच एज इट वॉज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस बिकम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। और जो फ्रेंच लैंग्वेज था वो वहाँ का कॉमन लैंग्वेज हो गया। द रिवॉल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर्ड दैट दे वुड हेल्प अदर पीपल ऑफ यूरोप टू बिकम फ्री नेशन। और जो रिवॉल्यूशनरीज थे फ्रांस के, उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि वो और कंट्रीज की भी हेल्प करेंगे इंडिपेंडेंट नेशन बनाने में। वेन द न्यूज़ ऑफ द इवेंट ऑफ फ्रांस रीच डिफरेंट सिटीज ऑफ यूरोप स्टूडेंट्स एंड अदर मेम्बर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास बिगैन सेटिंग अप जैकोबिन क्लब। और जब ये बात अलग कंट्रीज के स्टूडेंट्स को और बिजनेसमैन्स को पता चली तो उन्होंने अपना एक अलग जैकोबिन क्लब बनाना स्टार्ट किया। देयर एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स प्रिपेयर्ड द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज विच मूव्ड इनटू हॉलैंड बेल्जियम स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ इटली इन 1790s। मतलब जब फ्रांस आज़ाद हो गया तो वो हॉलैंड बेल्जियम स्विट्जरलैंड और इटली के भी कुछ बहुत हद तक हेल्प किया इंडिपेंडेंट बनाने में। दस विद द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशनरी वॉर्स नेशनलिज्म स्प्रेड इन द एंटायर यूरोप। और फ्रांस की वजह से सारे कंट्रीज में नेशनलिज्म आया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हु होस्टेड वियना कांग्रेस इन 1815। एनालाइज द मेन चेंजेस ब्रॉट बाय द वियना ट्रीटी। जो ट्रीटी ऑफ वियना हुआ था फ्रांस को लेकर 1815 में, उसका मेन पर्पस बताना है आपको और कौन स्टार्ट किया था इसको। इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूरोपियन पावर्स ब्रिटेन रशिया पर्सिया एंड ऑस्ट्रिया हु हैड कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन मीट एट वियना कांग्रेस। जो मेन कंट्रीज थी, चार कंट्रीज जिन्होंने नेपोलियन को हराया था, कौन कौन सी कंट्रीज थी? ब्रिटेन रशिया पर्सिया और ऑस्ट्रिया। हु हैड कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन मेट एट वियना कांग्रेस। वो वियना कांग्रेस पे मिलते हैं। द कांग्रेस वॉज हॉस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिक। ये कांग्रेस किसके द्वारा लाया गया था, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? ड्यूक मैटरनिक द्वारा। द डिग्लिगेट्स ड्रिव अप द ट्रीटी। द बार्बन डायनेस्टी विच वॉज डिपोज ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशन वॉज रिस्टोर्ड टू पावर। जो मोनार्की थी, जो बार्बन डायनेस्टी थी जो कि नेपोलियन द्वारा उखाड़ के फेंक दी गई थी, तो उसको रिस्टोर करने के लिए ये ट्रीटी बुलाई गई थी।
डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कैसे हुआ उसको एक्सप्लेन करना है. फ्रॉम 1848 नेशनलिस्ट फीलिंग्स वर स्प्रेड एमंग द जर्मन नेशनलिस्ट एज द कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स वेरीफाइड. दे वर सप्रेस्ड बाय एरिस्टोक्रेटिक रूलर्स एंड मिलिट्री हु वर सपोर्टेड बाय पर्शियन फार्मर्स. लेटर पर्सिया टुक द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट. इट्स चीफ मिनिस्टर ऑटोन बिस्मार्क हैड आर्किटेक्टेड द प्रोसेस. इसका जो प्रोसेस था जर्मनी को यूनिफाई करने का जो प्रोसेस था वो किसके हाथ में था, ऑटोन बिस्मार्क के हाथ में था. इन 7 ईयर्स ही हैड फॉट 3 वॉर्स विथ ऑस्ट्रिया डेनमार्क एंड फ्रांस. और 7 सालों में ऑटोन बिस्मार्क ने 3 लड़ाइयाँ लड़ी. किससे किससे, ऑस्ट्रिया से, डेनमार्क से और फ्रांस से, जिसमें कि तीनों लड़ाइयाँ जीत गए, पर्सिया जीत गई तीनों वॉर. दिस वे जर्मनी वॉज यूनिफाइड विथ विलियम फर्स्ट एज द जर्मन एम्परर इन जनवरी 1871. तो इस प्रोसेस से जो जर्मनी का पहला एम्परर था वो विलियम फर्स्ट को बनाया गया. जर्मन एम्परर कब बनाया गया, जनवरी 1871 में. अगला क्वेश्चन देखते हैं. डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली. यूनिफिकेशन ऑफ इटली प्रोसेस डिस्क्राइब करना है. द यूनिफिकेशन ऑफ इटली ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स. 19th सेंचुरी में इटली जो था वो 7 अलग अलग राज्यों में, कंट्रीज में, जो भी आप कह लीजिए, मतलब 7 अलग अलग राजा वहाँ पे राज करते थे इटली में. ड्यूरिंग 1830 मजीनी डिसाइडेड टू यूनाइट इटली. 1830 में गुसिपी मजीनी ने इटली को यूनाइट करने का सोचा. ही फाउंड अ सीक्रेट सोसाइटी यंग इटली टू अचीव हिज गोल. इन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई किस नाम से, यंग इटली नाम से, उनका गोल अचीव करने के लिए. आफ्टर अर्लियर फेलियर्स इन 1831 एंड 1848 किंग विक्टर इमैनुअल सेकेंड टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यूनिफाई द इटालियन स्टेट थ्रू वॉर्स. ये काम इनको सौंपा गया विक्टर इमैनुअल सेकेंड को कि आप जो अलग अलग स्टेट्स हैं इटली के उनसे वॉर करिए और उसको इटली में मिलाइए. थ्रू अ टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस बाय कैवोर, काउंट कैवोर, सार्डिया पेडिमोंट ही सक्सीडेड इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्सेस इन 1859. जो सार्डिनिया पेडिमोंट था ये काउंट कैवोर ने जीता ऑस्ट्रियन फोर्सेस से. कब जीता, 1859 में. अंडर द लीडरशिप ऑफ गुसिपी गैरिबाल्डी आर्म फोर्स वॉलंटियर्स मार्च इनटू साउथ इटली एंड द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज इन 1860 ही सक्सीडेड इन विनिंग द सपोर्ट ऑफ द लोकल पीजेंट्स इन ऑर्डर टू ड्राइव आउट द स्पेनिश रूलर्स. इन 1861 विक्टर इमैनुअल सेकेंड वॉज प्रोक्लेम्ड एज द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली. अगला क्वेश्चन देखते हैं. डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन. इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स वॉज रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस. प्राइमरी आइडेंटिटीज द पीपुल वर एथनिक वंस. ऑल द एथनिक ग्रुप सच एज इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश एंड देयर ऑन कल्चरल पॉलिटिकल ट्रेडिशंस. द इंग्लिश नेशन स्टेडली ग्रीव इन वेल्थ एंड पावर. तो ब्रिटेन की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि वहाँ पे अलग अलग कल्चर के लोग पाए जाते थे. इंग्लिश पाए जाते थे, वेल्स पाए जाते थे, स्कॉट पाए जाते थे, आयरिश पाए जाते थे और इनका खुद का कल्चर होता था. इट वॉज एबल टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशंस. द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन. जो एक्ट ऑफ यूनियन 1707 हुआ था इसके तहत इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक समझौता हुआ जिसमें यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन को इंडिपेंडेंट बना दिया गया. द ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाय द इंग्लिश वाइल स्कॉटिश इन्फ्लुएंस वॉज ग्रेजुअली डिस्ट्रॉयड. दिस सिचुएशन लेड टू मेनी रिवॉल्ट वाइल द ओल्डर नेशंस वर रिड्यूस्ड टू द सबऑर्डिनेट पार्ट इन द अरेंजमेंट. ब्रिटिश फ्लैग एंड एंथम वर प्रोमोटेड इन ब्रिटेन. तो ये
ब्रिटेन के बारे में सारी बातें थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।